वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 6 मार्च 2020 और 6 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की समिति ने किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है सुनील जोशी। सुनील जोशी इसका करेक्ट आंसर है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की सलाहकार समिति द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि सुनील जोशी जी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया जाए। अब बात करते हैं, इसके अलावा बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने पूर्व तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह को राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल करने की भी रिकमेंडेशन की है और बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन मदन लाल और आरपी सिंह और सुलक्षण नाइक भी शामिल हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की साइड मूव करके। लेकिन उससे पहले गाइस आज के टारगेट की बात करें तो आज का टारगेट है आप लोग का 1100 प्लस लाइक्स जो आपको अचीव करना है। आई होप सभी अचीव करेंगे और प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए कि टारगेट अचीव हो। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड मूव करके। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गैरसैंण इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा यह घोषणा की गई है कि राष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया जाएगा, गैरसैंण को बनाया जाएगा। अब राज्य में लोग लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग भी कर रहे थे। उनकी मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा कर दी। अब वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ था तब भी गैरसैंण राजधानी की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने देहरादून में सुविधाएं उपलब्ध होने का हवाला देते हुए इसे अस्थाई राजधानी बनाया था उस वक्त में। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में आबादी और सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए यह एक कदम बहुत इम्पॉर्टेंट उठाया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। तो आज का आपका अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री तो मैंने बता दिया, तो राज्यपाल का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड जो कि क्या कहता है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लक्समबर्ग। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या है, लक्समबर्ग सार्वजनिक परिवहन के सभी रूपों को निःशुल्क बनाने वाला पहला देश बन चुका है। अब लक्समबर्ग में लोगों को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और यह यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे छोटा देश भी माना जा रहा है। अब इस देश की सरकार का यह दावा किया जा रहा है कि इस निर्णय से देश में बढ़ रहे प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब मीडिया की रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 0.2 मिलियन यात्री कामकाज के लिए बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पड़ोसी देशों से लक्समबर्ग जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लक्समबर्ग इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की साइड जो कि क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 मार्च। जी हाँ, 4 मार्च को भारत में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसमें सभी सुरक्षाकर्मी कौन, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और अर्धसैनिक बल, गार्ड, कमांडो और सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है, मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, गार्ड, कमांडो और सेना के अधिकारी इसमें शामिल हैं। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1972
1972 से की गई थी। अब बात करते हैं, इस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की भी स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की स्थापना कौन से दिन हुई थी, तो 4 मार्च 1972 को हुई थी। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की साइड, जो कि है, निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है संजय कुमार पांडा। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो संजय कुमार पांडा इसका करेक्ट आंसर है। अब भारत सरकार ने हाल फिलहाल में संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। अब इनकी बात करें तो ये 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं और प्रेजेंटली वह सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी वर्किंग हैं। ठीक है, प्रेजेंटली कहाँ पोस्टेड है ये भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में सैन फ्रांसिस्को में पोस्टेड हैं। अब तुर्की में संजय कुमार पांडा की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भारत और तुर्की के संबंधों में तनाव बना हुआ है। अब कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद की गई प्रतिक्रिया के पश्चात भारत ने तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों से अलग रहने को कहा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इंडिया और तुर्की के बीच में, क्योंकि आर्टिकल 370 के वजह से। मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की साइड, जो कि है, किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं, कौन खिलाड़ी, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है किरण पोलार्ड, इसका करेक्ट आंसर है। अब 500वां T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी तो बने नहीं है, लेकिन इससे पहले वे दुनिया के पहले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300वां और 400वां T20 मुकाबला सबसे पहले खेला था। ठीक है, 300वां और 400वां T20 पहला मुकाबला सबसे पहले खेला था इन्होंने, और पोलार्ड ने 500 T20 मैचों में 49 अर्धशतक लगाए थे और उनके नाम एक शतक भी है। ठीक है, अब पोलार्ड का बेस्ट स्कोर की बात करें तो 104 रन रहा इनका टोटल अभी तक का बेस्ट स्कोर। अब पोलार्ड ने 500 T20 मैचों में लगभग 647 चौके हैं और 652 छक्के और 647 चौके जड़े थे। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की साइड, जो कि है 7th क्वेश्चन, क्या कहता है, वित्त मंत्री कौन निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने को मंजूरी दे दी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है 10 बैंकों को मंजूरी दे दी। अब वित्त मंत्री कौन निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया है कि विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आ जाएगा और इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर सिर्फ 12 ही रह जाएगी। कितनी, सिर्फ 12 ही रह जाएगी, जो 2017 में कितनी थी, 27 थी। तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है इकॉनमी पर, इंडियन इकॉनमी पर डायरेक्टली हम लोग देख पा रहे हैं सरकारी बैंकों की संख्या घटती ही जा रही है, सिर्फ 12 रह जाएगी 1 अप्रैल 2020 से, जो 2017 में कितनी थी, 27 थी। अब पिछले साल 30 अगस्त को वित्त मंत्रालय की तरफ से इस विलय की घोषणा की गई थी। अब इस विलय के बाद देश में 4 बड़े बैंक बन जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी, तो 8.50% कर दी, 65 से कम करके 8.50 कर दी। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। ठीक है, केंद्रीय न्यासी बोर्ड को PF पर ब्याज दर को लेकर फैसला लेता है और इस फैसले को वित्त मंत्रालय की सहमति बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस का 12% पार्ट जो PF प्रोविडेंट फंड में जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8.50%। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, भारतीय
नौसेना ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए किस बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है मिलन 2020। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है मित्र राष्ट्रों की नौसेना के बीच व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना और सामुद्रिक क्षेत्र में एक दूसरे की शक्तियों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब मिलन 2020 एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की एक श्रृंखला है जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। वर्ष 2018 तक इसका आयोजन अंडमान एवं निकोबार कमान में किया गया था, लेकिन अभ्यास की बढ़ती संभावना और जटिलता के कारण पहली बार इसका आयोजन विशाखापट्टनम कमान में किया जाना था, जो कि टाल दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा कोरोना वायरस के वजह से। मूव करते हैं आज के अंतिम प्रश्न, जो कि है 10th क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेघावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? 15 इसका करेक्ट आंसर है। और ललित कला अकादमी प्रत्येक वर्ष कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए कला प्रदर्शनियों एवं पुरस्कार समारोहों का आयोजन करती है। कला की 61वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पुरस्कार विजेता कलाकारों की कलाकृतियां 22 मार्च 2020 तक ललित कला अकादमी की दीर्घाओं में प्रदर्शित की जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15। अब देखते हैं हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने होमवर्क के लिए दिया था, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था। सबसे पहले तो मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी करेक्ट आंसर लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न क्या है? आज के प्रश्न की बात करें तो आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको आंसर में लिखना है। तो आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ये है हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज का टारगेट बिल्कुल भी मत भूलिएगा, 1100 प्लस लाइक आपको अचीव कराने हैं आज के वीडियो पर। आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स आज अचीव कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़रूर ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर ज़रूर से कमेंट भी करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को SSC मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।